हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी का एक और सेक्शन, इमरजेंसी प्रोविजन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स इन द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी अराइजिंग आउट ऑफ आर्म्ड रिबेलियन और एक्सटर्नल एग्रेशन। मतलब क्या है कि संविधान एक एक्स्ट्रा पावर देता है प्रेसिडेंट को कि आपातकाल के समय, मतलब उसको आपातकाल लगाने का पावर है। कैसे है? जब आपके जो आपका एरिया या आपके कंट्री है उसमें अगर कोई सशस्त्र विद्रोह हो गया है, उस केस में क्या है, राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने का उपबंध है या पावर है। इमरजेंसी ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, या तो आपका संविधान जो है सही तरीके से नहीं चल रहा है किसी राज्य में, तो भी राष्ट्रपति के पास पावर है कि वहाँ पर वो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। उसके बाद एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी व्हेन द क्रेडिट ऑफ द कंट्री इज थ्रेटेंड। मतलब कि वित्तीय आपातकाल भी लग सकता है अगर आपके देश में वैसा कुछ प्रॉब्लम हो गया, वित्तीय घाटा हो गया या उस तरह कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो वहाँ पे वित्तीय आपातकाल भी लग सकता है। आपको बता दूँ कि वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत देश में एक बार भी नहीं लगा है। चलिए आगे देखते हैं। इनफैक्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कैन वर्चुअली बी कन्वर्टेड इंटू अ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि संविधान जब आपका आपातकाल लगता है तो जब जो आपका संघ जो है संविधान का, वो आपका चेंज हो जाता है आपका यूनिटरी में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, एकल नागरिकता किसको कहते हैं? तो पहला, इट प्रोवाइड सिंगल सिटीजनशिप, ऑल पर्सन रिसाइडिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर ट्रीटेड एज इंडियन सिटीजन्स। भारत के किसी भी कोने में कोई भी आपका नागरिक जो रह रहा है वो एक एकल नागरिकता के अधीन ही रहेगा। ठीक है, एंड आर एंटाइटल्ड टू द सेम राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, देयर इज़ नो सेपरेट सिटीजनशिप ऑफ स्टेट। मतलब कि राज्य का कोई अपना नागरिकता नहीं है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं बाइकैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है। इट प्रोवाइड्स अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर कंसिस्टिंग ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा। द फॉर्मर कंटेन्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल while the latter contains the representatives of the state। मतलब ये जस्ट बाई कैमरल का मतलब आपका लोकसभा राज्यसभा हो गया, दो सदन जो बोलते हैं, और आपका जो लोकसभा है वो आपका प्रतिनिधित्व है जो पीपल का जो है, मतलब कि उसका प्रतिनिधित्व लोकसभा में होता है, मतलब उसमें वोटिंग करते हैं, और जो राज्यसभा है वो आपका राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं स्पेशल प्रोविजंस ऑफ माइनॉरिटीज, मतलब अल्पसंख्यकों के लिए कुछ अलग से उपबंध किए गए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटीज, मतलब संविधान जो है एक अलग उपबंध देता है अल्पसंख्यकों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और एक्सेट्रा। इट नॉट ओनली रिजर्व सीट्स फॉर देम इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर बट ऑल्सो ग्रांट्स देम सर्टेन स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस। मतलब कि उनके लिए तो कुछ सीट रिजर्व हैं ही आपके पार्लियामेंट में और या आपका विधानसभा में, उसके अलावा भी कुछ अलग उनको अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद पंचायती राज क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज अर्बन लोकल बॉडीज। दिस वाज अचीव्ड ड्यूरिंग द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैरिड आउट ऑन दिसंबर 1992। मतलब क्या, संविधान में आपका पंचायती राज के बारे में भी उपबंध दिया हुआ है, उसके बाद आपका नगर पालिका के बारे में दिया हुआ है, जो आपके 72 और 73rd संविधान संशोधन के तहत 1992 में लाए गए थे। उसके बाद है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। द डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरनिटी ऑफ पार्लियामेंट इज एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाइल द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी विद दैट ऑफ एन अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि जो आपका संसद है वो आप एक सोवर्न बॉडी है, ये आपका कहाँ से लिया गया था, ये आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया गया है, और आपका जो जुडिशियल है, जो आपका सुप्रीम जिसको माना जाता है, वो आपका लिया गया आपका अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगेंस्ट दैट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कंटेन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द सुप्रीम कोर्ट दो इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कैन डिक्लेयर द लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट एज अनकंडीशनल, ऑन द अदर हैंड द पार्लियामेंट कैन अमेंड मेजर पोर्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम देख सकते हैं कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट है और जो आपका पार्लियामेंट है, उसके अलग अलग आपके
मतलब कि फंक्शंस है, ठीक है। पहला जो है आपका पार्लियामेंट के पास पावर है किसी भी मेजर पोर्शन मतलब किसी भी संविधान के किसी भी अंग को वो अमेंड कर सकता है, संशोधन कर सकता है। और आपका जो जो क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट है वो आप उसके पास है जुडिशियल रिव्यू, मतलब किसी भी चीज़ को वो नल एंड वॉइड भी बता सकता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं बेसिक डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। सर्टेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर बियॉन्ड द अमेंडिंग पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ऑल द लॉज एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स विच ट्रांसग्रेस द बेसिक स्ट्रक्चर आर लाइबल टू बी स्ट्रक डाउन। सम ऑफ द मेजर फीचर्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर इंक्लूड पहला है आपका सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि आपका जो आपका संविधान है वो सुप्रीम बॉडी है। उसके बाद रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, सेक्युलराइज्म, फेडरल कैरेक्टर, सॉवरनिटी ऑफ द कंट्री, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक्सेट्रा। ये सब जो आपके बेसिक स्ट्रक्चर है इसमें आपका संसद जो है छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। उसके बाद इन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973, इसमें क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट प्रोफाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इसमें क्या हुआ था कि आपके जो सुप्रीम कोर्ट थे उन्होंने बताया था कि संविधान में जो आपके मूलभूत ढांचे हैं उसको मतलब वो कौन कौन सा चीज़ है और इसको जो है संसद चेंज नहीं कर सकती है। उसके बाद देख लेते हैं कुछ हम लोग पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को देख लेते हैं। पहला है आपका, पहला पार्ट है जो आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में मतलब टेरिटरी का है, इसका आर्टिकल कवर करता है 1 से 4। दूसरा जो आपका पार्ट है उसमें सिटीजनशिप आता है, उसके बाद इसका आर्टिकल से 5 से 11 है। फंडामेंटल राइट्स तीसरा पार्ट में आता है 12 से 35 आर्टिकल के तहत। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट्स 4 में आता है, आपका जो आर्टिकल्स है वो 36 से 51 है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 4A में आता है, इसका आर्टिकल है 51A में। और जो पांचवा है आपका यूनियन गवर्नमेंट है, मतलब कि आपका हो गया आपका आर्टिकल हो गया 52 से 151। उसके बाद क्या है 6 जो आपका आर्टिकल, उसमें बहुत सारे चैप्टर है। पहला चैप्टर आपका एग्जीक्यूटिव है 52 to 78 आर्टिकल। दूसरा है पार्लियामेंट 79 to 122 आर्टिकल। तीसरा है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 123। चैप्टर 4 है आपका यूनियन जुडिशियरी, आपका आर्टिकल 124 से 147। उसके बाद चैप्टर 5 है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 148 से 151। उसके बाद आपका ये आपका सारा कुछ जो था आपका पचमा आपका जो भाग है उसमें आता है। उसके बाद 6th देख लीजिए, वो आपका स्टेट गवर्नमेंट्स का, इसमें आपका है आर्टिकल 152 से 237 तक है। इसमें पहला चैप्टर आपका जनरल है 152। चैप्टर 2 है द एग्जीक्यूटिव 153 से 167। चैप्टर 3 है स्टेट लेजिस्लेचर आर्टिकल 168 से 212। चैप्टर 4 है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर आर्टिकल 213। उसके बाद चैप्टर 5 है द हाई कोर्ट्स आर्टिकल 214 से 232। और चैप्टर 6 है आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो आपका आर्टिकल है 233 से 237। उसके बाद आपका जो है 8th है आपका यूनियन टेरिटरी है, इसका आर्टिकल है 239 से 242। 9 है पंचायत आर्टिकल 243 से 243 ओ। उसके बाद 9A म्यूनसिपैलिटीज़ आर्टिकल आपका हो जाएगा 243 ओ से 243 जेड जी। 10th जो है आपका शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज आर्टिकल 244 से 244 ए। रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट हो गया आपका 11 हो गया। चैप्टर 1 में आपका लेजिस्लेटिव रिलेशंस आता है आर्टिकल 245 से 255। चैप्टर 2 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस आता है आपका जो आर्टिकल है 256 से 263। 12th नंबर पार्ट है आपका फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स आर्टिकल 264 से 300 ए। इसमें चैप्टर 1 है फाइनेंस 264 से 291। चैप्टर 2 है बोरोइंग आर्टिकल 292 से 293। चैप्टर 3 है प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स राइट्स लाइबिलिटीज़ ऑब्लिगेशंस एंड सूट्स आर्टिकल 294 से 300। चैप्टर 4 है आपका राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 301। उसके बाद 13 नंबर है आपका ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसमें आर्टिकल आपका 301 से 307 है। उसके बाद आपका 14 जो आपका पार्ट है उसमें आता है
सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, तो ये आर्टिकल 308 से 323 है। इसमें पहला चैप्टर जो होता है सर्विसेज है, उसका आर्टिकल्स है 308 से 314, और चैप्टर टू है आपका पब्लिक सर्विस कमीशन जो 315 से 323 है। उसके बाद है आपका 14A है, ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताता है, आर्टिकल 323A से 323B। उसके बाद 15 आपका इलेक्शंस को बताता है, 324 से 329A। उसके बाद 16 बताता है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू SC, ST, OBC एंड एंग्लो इंडियंस, आर्टिकल 330 से 342। उसके बाद है 17 ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताता है, 343 से 351। इसमें चैप्टर तीन चैप्टर हैं, पहला चैप्टर लैंग्वेज ऑफ यूनियन 343 से 344, दूसरा है आपका रीजनल लैंग्वेजेस 345 से 347, चैप्टर थ्री है आपका लैंग्वेजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड सो ऑन, 348 से 349। उसके बाद है आपका चैप्टर फोर स्पेशल डायरेक्टिव्स, आर्टिकल 350 से 351। उसके बाद है आपका 18 नंबर भाग जो आपका पार्ट है, वो आपका इमरजेंसी प्रोविजंस को बताता है, आर्टिकल 350 से 360। उसका 19 मिसलेनियस है, 361 से 367। और 20 है आपका संशोधन मतलब अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368। उसके बाद है 21 नंबर टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, आर्टिकल 369 से 392। उसके बाद 22 नंबर शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, ये आपका आर्टिकल 393 से 395। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक छोड़ेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे आपका एक स्मॉल टॉपिक है शेड्यूल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये जब पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे जो भी IAS के या UPSC PSC के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।